हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमएस नॉलेज हब। फ्रेंड्स, आज इंडिया में लॉकडाउन का 5वां दिन है और लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए हम और आप सबको मिलकर के एक सोशल डिस्टेंस और घर पर ही रहना आवश्यक है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए। परंतु आप देख पा रहे होंगे हर की जो न्यूज़ दिखा रहे हैं आजकल, जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर है और जो अभी दिहाड़ी करने वाले मजदूर थे, डेली वेजेस वाले वर्कर थे, उन्होंने अब रोड पर आना स्टार्ट कर दिया है। अभी इतने सारे एकदम से ही वे जो है दिल्ली से अपने घर जाने के लिए जो भी उनका डेस्टिनेशन है, कोई बिहार का है, कोई लखीमपुर खीरी का है, कोई बिहार से आगे के भी हैं, कुछ हरियाणा से आ रहे हैं, कुछ नोएडा से आ रहे हैं, कुछ दिल्ली से आ रहे हैं, उन्होंने इस लॉकडाउन की जो है धज्जियां उड़ा दी हैं। मैं उन वर्करों के खिलाफ नहीं हूँ, वे जो वर्कर हैं, मजदूर हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मगर जिस तरीके का सोशल डिस्टेंस बनाना था, अब जिस तरीके से हमें ये लॉकडाउन का जो सफल बनाना था, उसके कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी गलती चूक हुई है भारत सरकार से भी और जो राज्य सरकार है उनसे भी। हो सकता है उन्होंने इस चीज़ का अंदाजा ना लगाया हो पहले। अब आप देख रहे हैं जो न्यूज़ आ रही है उन चित्रों में जिस तरीके की बसे भरी हुई हैं, लोगों की जो गैदरिंग हो रही है, इस तरीके से बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये सब तो जो आपका जो लॉकडाउन है उसे सफल नहीं बनाता और कहीं ना कहीं इस पे इन सब का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ने वाला है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके पीछे की थ्योरी कि क्या ये वजह रही, क्या इसके पीछे कारण रहे होंगे कि मजदूरों को सड़क पर आना पड़ा। तो देखिए, बहुत ही डरावने ये चित्र सामने आ रहे हैं न्यूज़ में और देखना जा रहा जो भारत सरकार है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, इन्होंने प्रयास किया है इन मजदूरों को इनके घर तक पहुंचाने का, मगर ये सब हुआ क्यों? ये 22 तारीख से पहले ये सबका इनको अंदाजा क्यों नहीं लगाया गया? तो देखिए, मोदी जी ने सबसे पहला जो लॉकडाउन था एक दिन का, जो जनता कर्फ्यू रखा था, अब उसकी 22 मार्च उसकी डेट रखी थी और 22 मार्च में तब जो जहाँ जहाँ ये लोग रहते थे, जहाँ जहाँ वर्क काम कर रहे थे, जिन जिन मालिकों ने इनके कमरे दे रखे थे या ये किराए पर रहते थे या किसी मालिक के यहाँ रहते थे, किसी कंपनी में, फैक्ट्री में, जहाँ भी इनका निवास था, इन्होंने सोचा कि भाई एक दिन का जनता कर्फ्यू है, एक दिन का जनता कर्फ्यू हम कर लेंगे ऐसे ही। आगे बारे में इन्हें नहीं पता था कि एकदम से 21 दिन वाला कर्फ्यू आने वाला है। इनकी इस प्रकार की कोई तैयारी भी नहीं थी। एक दिन में आना जाना संभव भी नहीं होता है कि आज आपने जनता कर्फ्यू का पालन करा और एक दिन आपके पास बीच में है 23 और आप उसमें अपने घर चले जाएं, तो ये भी संभव नहीं है। और रेलगाड़ियां तो बंद थी, तो लोगों ने अपने अपने स्थान पर ही थे, लोगों ने एक दिन का जनता कर्फ्यू का पालन किया, मगर वैसे अब उन्होंने ये पता नहीं था कि 21 डे का जो है जल्दी ही लॉकडाउन होने वाला है कंट्री में। और गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा कि इतने जा रहे जो माइग्रेंट्स हैं, जितने भी मजदूर वर्कर्स हैं जो दूर दूर स्थानों से यहाँ नौकरी करने आए हुए हैं, उनका क्या होगा? तो ये जो मजदूर थे, अभी इन्होंने अपने घर की इन्हें जब देखा 21 डेज का, तो जो मालिक लोग थे इनके, जहाँ ये वर्कर काम कर रहे थे, उन मालिक लोगों ने भी इनका हाथ हटा लिया। उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया कि आप कहीं भी जाओ, जब हमारे पास वर्क नहीं, काम नहीं, तो हम आपको रख करेंगे क्या? उन्होंने इन्हें किराए देना बंद। दूसरी बात, जो दहाड़ी वाले मजदूर होते हैं उन्हें प्रतिदिन का पैसे चाहिए, अर्थात वो अपना प्रतिदिन पैसे लेते हैं, प्रतिदिन कमाते हैं, प्रतिदिन खाते हैं। अब प्रतिदिन का काम ही खत्म हो गया, इनके पास पैसे नहीं है कि हाँ ये रेंट पे रह लें या रेंट दे सकें, तो ये सब मजबूरी इनके सामने आने लगी। एक दो दिन का लॉकडाउन होता तो हो सकता है व्यक्ति के पास इतना स्टोरेज होता है वो कर लेता, मगर इनके पास अब समझ में है 21 दिन। अब 21 दिन भी कोई पता नहीं, 21 दिन से भी आगे का लॉकडाउन आ सकता है। तो जो भी उत्तर प्रदेश सरकार है, वो दिल्ली NCR में अब इन्होंने ये बसेज लगाई हैं भारत सरकार की तरफ से, इसका प्रयास किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार भी और दिल्ली सरकार भी साथ मिलकर काम कर रही हैं और उन्होंने जो है दिल्ली में नोएडा से जो आनंद विहार है वहाँ से बसों की जो सुविधा करवाई है, कई 1000 बसेज लगाई हैं। मगर बात सोचने की दोस्तों यहाँ ये है, 1000 बसेज लगाई हैं, आप देख रहे हैं बस की कंडीशन क्या है, इसमें अंदर बाहर इतने डुस आदमी भरे हुए हैं, इतनी इनकी क्षमता नहीं है बसों की, इतने लोग इसमें भरे हुए हैं बिना किसी भी वो कोई इन्होंने सावधानी नहीं बरती हुई है, बिना किसी उसके मास्क भी कोई सभी के पास नहीं है, सब ऐसे एक साथ, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का एक तरीके से धज्जियां उड़ चुकी हैं। और हम लोग घर पर बैठ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करो, ये करो, वो करो, मगर यहाँ के कुछ लोग हैं, ये इनकी मजबूरियां समझ लीजिए या इनके पास जानकारी पर्याप्त जानकारी नहीं है। इनके आपको मैं बहुत विचार सुनवाता हूँ, इनके विचार ये हैं, इससे अच्छा तो हम भूखे मरने से अच्छा तो कोरोना वायरस से मर जाएं। तो कहीं ना कहीं ये अपने स्तर से जो बात कह रहे हैं वो ठीक हो सकती है, बट कोरोना वायरस से मरने का मतलब है आप एक नहीं मरोगे कोरोना वायरस से, जब एक व्यक्ति मरेगा तो उसके आसपास के 4-5 मरेंगे, उनके 4-5 ही चैन बहुत बड़ी है। तो इन ये बातें इनकी अच्छी नहीं है, इस समय क्या कुछ भी करना था ना, डिस्टेंस बनाए रखना था, अगर ये जा भी रहे हैं तो डिस्टेंस बनाकर इन्हें जाना था। दोस्त ऐसे चले आए 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर ऐसे पैदल आ रहे हैं, पैर में छाले पड़ गए हैं। ये सब ऐसा ऐसा चल रहा है।
ये देखिए, ये दिखा रहे हैं किस तरह से पैर में छाले पड़े हुए हैं, पैर के छालों को देखिए। ये मजदूर हैं जो घरों से घर पहुंचने के निकले हैं, फैक्ट्रियों से, जिनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, चलते चलते गुजरात से निकले हैं यहाँ से। आप क्या करते हो आपको गुजरात में? बैग का सिलाई। बैग की सिलाई करते हो? तो क्या वहाँ फैक्ट्री जब बंद हुई तो फैक्ट्री मालिक ने कहा नहीं कि मैं आपको खाना खिलाऊंगा, आप यहाँ रहें? नहीं, वो तो नहीं बोले, मतलब बोले कि चले जाओ, घर 3-4 दिन के लिए खुला है, ऐसा बोले वो। 3-4 महीने के लिए बंद है। वो बनारस, उन्होंने पूरा बनारस जाओगे, पैदल ही निकल पड़े बनारस जाने के लिए। अब क्या करें, कोई साधन नहीं है, अब वहाँ पर रहना भी नहीं है कहीं पे, कि क्या करें, खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, जब खाने के लिए रहेगा ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रशासन से कि अगर लॉकडाउन करना था तो पहले जो है पब्लिक को बताना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक फंसी हुई है अभी जो है 3 महीना प्रदेश में, आने से मुश्किल, अभी काम बंद, क्या खाएगा आदमी, कैसे रहेगा, ये इतला देना चाहिए। कोई अगर साधन सुविधा हो तो हम लोग को पहुंचा दे सरकार, और क्या, ये सरकार से मांगे। इस तरह के ये हालात कितने लोग, तो दोस्तों इनकी भी कहीं ना कहीं बात सही है, ये मजदूर लोग हैं, वर्कर माइग्रेंट्स थे, ये भी परेशान थे, अभी इनके पास कोई इस तरीके का साधन नहीं था कि वहाँ रुक कर कुछ कर लेते, तो ये इनके साथ मजबूरी थी। अब गवर्नमेंट ने इसे इनिशिएटिव कदम उठाए हैं कुछ, तो देखिए दोस्तों अब जो होना था हो गया, अब ये लोग तो अपने अपने घर जाएंगे ही, कुछ गाँव में ये खबरें भी आ रही हैं कि कुछ गाँव ने अपने जो है गाँव सील कर दिए हैं, वो इन्हें एंटर ही नहीं करेंगे अपने गाँव में। तो सरकार के पास 3 ऑप्शन थे, या तो सरकार जहाँ ये लोग इस समय है इन्हें वहीं रोक दे, वहीं इनके जो आइसोलेशन दिया जाए, वहीं सेपरेट, मगर ये व्यवस्था पॉसिबल नहीं है कि लोग पूरी रोड पे लेकर दिल्ली से लेकर के तुम्हारे मुरादाबाद और इसे बरेली तक ये पूरी रोड पे हैं इस समय, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि इन्हें वहाँ रोक दिया जाए। ये भी पॉसिबल नहीं रहा अब कि ना वापस कर दिया जाए, क्योंकि आधे इधर हैं आधे उधर हैं, तो अब तो बस सरकार के पास एक ही ऑप्शन है कि दिल्ली से बसें स्टार्ट करें, जो मिलते रहें रास्ते में ले जाते रहें, मगर ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है अभी। लोग ऐसा नहीं है कि कई हजार आदमी हैं, ये कई हजार, इसमें इनके बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, तो इनमें ऐसा नहीं कि संक्रमण किसी ना किसी में एक में तो संक्रमण होगा, दिल्ली नोएडा के आसपास की बात है, क्योंकि वहाँ पहले से संक्रमित लोग पाए गए हैं, तो इनमें से एक ना एक तो संक्रमित होगा, और वही संक्रमण समय फैला चुका होगा अब तक। अब 14 दिन में रिजल्ट आता है इस बात का। अभी इस बीच में खबर और आई थी कि ये लेबर को ले जा रहे थे एक ट्रक में, उसमें मुंबई के आसपास में इसका एक एक्सीडेंट हुआ, वहाँ 4 लोग इंजेक्ट हो गए हैं, तो ऐसी न्यूज़ अभी मिल रही हैं। तो ये लोग जो हैं सड़कों पर परेशान हैं, अब इनके पास किस तरह का कोई डिस्टेंस नहीं है, सब मिलजुल के एक साथ चल रहे हैं, तो ये बहुत बाध्य एकदम खतरे घंटी इसमें समय। देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य था आपको कुछ सजग करना है कि आपको अब क्या करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो अभी इस सिचुएशन से बाहर आ रहा हो, अभी कुछ सुनने में आ रहा है, कोई लेने जा रहा है, कोई किसी के कहीं आया हुआ है, कोई कहीं आया हुआ है, कुछ तो पैदल आ रहे हैं, कुछ यहाँ से जा रहे हैं उन्हें लेने, तो आप इस बात का बहुत सावधानी बरतते हैं कि इन लोगों को कम से कम अगर आपके घर में आपके आसपास पड़ोस में ही आते हैं, एक तो सूचना दें पहले, सबसे पहले पुलिस स्टेशन में नज़दीकी। दूसरी बात है, इनसे स्वयं कहें कि आप एक आइसोलेशन रूम में रहें यार, अपने आप को अलग रखें, अलग रखें कम से कम 14 दिन तक इन्हें अलग रहने कहें, इनके थोड़े कुछ सिम्पटम्स दिखें तो आप बताएं, इन्हें एक साथ इनके साथ घुले मिले नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा इस लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं होने वाला। आज अमेरिका 1 लाख से ऊपर पहुंच चुका है, वहाँ तेरी सुविधाएं तब ये हालत है, और भारत भी 3rd स्टेज में प्रवेश करने वाला है। जिस तरीके की पब्लिक गैदरिंग यहाँ देखी जा रही है इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा डरावना है, और ये जो है जितनी भी सोशल डिस्टेंसिंग है, आप जितना प्रचार कर रहे हैं, सब लोग घर बैठे हैं, अपना अपना नुकसान झेल रहे हैं, उसके बावजूद भी ये सब सड़कों पर अगर चल रहा है, तो ये दोस्तों आपके और हमारे हितों के खिलाफ है। हम ये इतना सब कुछ झेलने के बाद भी अगर ये सब देख रहे हैं तो बहुत ही गलत है। तो आपको एक काम करना है, ये लोग अब पहुँचेंगे तो अपने अपने घर, तो आपको इन्हें जहाँ भी इन्हें जो भी इन्हें रिसीव करने वाले हैं वो इन्हें डिस्टेंस दें, अलग ही रखें, इनसे घुले में लेना 14-15 दिन तक इन्हें अलग ही रखें बिल्कुल। अगर इनके अंदर कोई इस तरीके का कोई आपको लक्षण दिखाई दें तो तुरंत एकदम सूचना दें, मोबाइल नंबर दिए गए हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अब तक जो कोरोना केसेस कितने हो चुके हैं। देखिए तो ऑल वर्ल्ड में जो इस समय जो लिस्ट है उसमें दिखाया गया 1,06,1,238 तो केसेस हो गए ऑल वर्ल्ड की, बता रहा हूँ पूरे वर्ल्ड की। अब इसमें जो है 27,000 जो डेथ अब तक नोट की गई हैं, और लगभग 1,33,000 लोग जो रिकवर हो चुके हैं, जो कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद निगेटिव रिपोर्ट में आकर के बच गए हैं उनके। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाला आंकड़ा है वो यूएसए का है। यूएसए जो है लोगों के लिए, अभी एक न्यूज़ आई है कि यूएसए जो है कई करोड़ का योगदान दे रहा है देशों को,
लगभग 66 कंट्री है उन्हें योगदान दे, भारत को 22 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है उसमें। तो यूएसए दूसरों को पैसा तो बांट रहा है मगर अपने आप अभी तो उस पर कोई कंट्रोल हो नहीं पाया। लगभग 1 लाख केसेस वहाँ हैं और ये यूएसए चाइना की देन, चाइना ने इतना कंट्रोल कर लिया है, चाइना इस लिस्ट से धीरे धीरे नीचे गायब होता चला गया है। अब उसके बाद इटली है, इटली के बाद स्पेन है, तो ये कंट्रियाँ हैं और उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, इसी तरीके से हमारा इंडिया भी इसमें आपको मिलेगा। इंडिया में अभी केसेस कम हैं और देशों की अपेक्षा, चाहे तो इंडिया अपने उसमें कर सकता है। 908 केसेस आज तक हो चुके हैं, 21 आज के न्यू केसेस हैं और 20 डेथ अब तक, टोटल डेथ 20 इसमें मानी जा रही हैं। तो दोस्तों ये तो था अब तक का जो जो कोरोना केसेज में वर्ल्ड में समय चल रहे हैं अब तक के अनुसार जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की। दोस्तों अभी की ताज़ा न्यूज़ चल रही है तो कि जो हाईवे पर लाखों मजदूर इकट्ठा हैं एक साथ, आप देख रहे हैं कितने भयावह तस्वीरें सामने हैं, इतने लोग ये इकट्ठा हो रहे हैं और ये अपने अपने जो गंतव्य जाने के लिए बसों का इंतजार कर रहे हैं, इतनी बसें नहीं जितने लोग हो रहे हैं। तो दोस्तों देखिए ये लॉकडाउन तो मुझे सफल होता नज़र नहीं आ रहा है। आप इस पर क्या आपकी राय है, क्या क्या पता मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आप कमेंट में मुझे बताएं आपकी क्या राय है इसको लेकर के, क्या इसमें सरकार की गलतियाँ हैं, चाहे इसमें ये लोग हैं इनकी गलतियाँ हैं, ये डिस्टेंस नहीं बना सकते, किसके तरह की ये गलतियाँ यहाँ हैं, आप ये मुझे समझाइए। और दोस्तों जो भी आपको लगे इससे संबंधित जो भी आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में बताएं ये। और मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है कि ये जो लोग अब अपने घर में पहुंचने वाले हैं कृपया करके आप इनसे डिस्टेंस बनाए रखें, क्योंकि ये लोग हो सकते हैं संक्रमित हो, तो इन्हें 14-15 दिन तक एक आइसोलेशन रूम में रखें, अर्थात जो भी संभव हो सके आप इन्हें अलग ही रखें, इनसे ना ही घुले मिले 15-14 दिन तक तो बेटर होगा। उसके बाद अगर कोई ऐसा लक्षण दिखता है तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या जो भी जो आपके जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो का अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं समय समय पर दोस्तों जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं इस समय और जो बच्चे स्टूडेंट्स के लिए जो भी पढ़ाई की वीडियो बनाता रहता हूँ, हमारे जो प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले सब यूट्यूब का सर्च बॉक्स में जाकर MS नॉलेज हब टाइप करेंगे, वहाँ से आपको एक चैनल मिलेगा, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी वो आपके पास मैं लाता रहता हूँ। आपको जो भी संबंधित आप जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको अगर न्यूज़ से संबंधित कोई न्यूज़ देखनी है, जितने भी टॉपिक्स हैं मैं इनका विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूं तो वो भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने जो CCC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग वीडियो बनाई हुई है, जो GK जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग है, जो रिक्वायरमेंट्स की जानकारी चाहते हैं उनके लिए मैंने रिक्वायरमेंट से संबंधित जो न्यू भर्ती हैं उनके बारे में वीडियो अपलोड की हुई है, आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं अपनी जो जितनी भी सेवाएं हैं जो भी अभी मैं इस पर रेशन कर रहा हूं बहुत ज़्यादा अधिक अपना अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं और निरंतर ये सुधार होता चला जाएगा। आपको किसी भी तरीके की कोई शिकायत हो या किसी भी सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे और मैं आपके जो भी सुझाव होंगे उन पर जो गंभीरता से ध्यान दूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।